ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर काल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जो दयाले दीनानाथ मया सुखेन समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु सत्संग जीओ धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का बख्शिश भरिया हुक्मनामा जो अठ पदियां दे चाहे किधरे एक पद चार पंक्तियां का आंदा है किधरे किधरे छे ते अठ का भी आंदा इस तरह के अष्टपदी से एक ख्याल नूं विस्तार दे नाल बयान करना होवे ते एक पदे विच करना औखा होवे फिर कई दफा तो पदा आउंदा ते पदा आउंदा चौ पदा आउंदा पंच पदा भी आउंदा फिर अवतारी पुरशां ने ब्रह्म ज्ञानियां ने अठ पदे भी वरते ने अठ पदे अखरी अर्थ भी लड़ी वार करते जाइए अंदाजन अद्धा घंटा तो चाहिए है। इस वास्ते पहले आप इस महान वाक दे अखरी अर्थ सरवन करो सोरठ राग दे अंदर सतगुरु का ये महान उच्चारण किया हुआ वाक है इसके उत्ते मंगला चरण भी है दोहरा दें साढ़े देश की एक परंपरा है जब भी कोई महापुरुष किसी धर्म ग्रंथ की रचना करता है तो मंगल लाजमी गायन करता है मंगलाचरण करता ही करता है। अक्सर सनातनवाद के धर्म ग्रंथ से संगीत के ग्रंथ ते कविता दे ग्रंथ उन्हां दे मंगलाचरण मिलता है सुरस्ती का गणेश का ऐसा भारत दे आद काल तो मनिया गया कि सिद्धि दाता गणेश है और बुद्धि दाता सुरस्ती पदार्थां दा दाता गणेश है ज्ञान दी दाती सुरस्ती कहिंदे ने मनुख नूं इन्हां दो चीज़ां दी लोड़ है तन वास्ते पदार्थ चाहिए ने मन वास्ते ज्ञान चाहिए इस तो इलावा होर कोई बुख नहीं है शरीरक बुख मानसिक बुख
शरीर दे भुख पदार्थ ने, मन दे भुख ज्ञान है। तो ऐसा मनिया गया पदार्थ सारे दे सारे उन्हां दा दाता गणेश है। कारो विहारी लोग कोई दुकान खोलते ने, मकान का मुहूर्त करते ने, कोई होर धंधा करते ने, पहले पूजा गणेश की करते। इनू सिद्धि दाता मनते हैं। जिन्होंने कुछ ज्ञान हासिल करना है, कविता सीखनी है, संगीत सीखना है, ऐसे लोग फिर सुरस्ती का पूजन करते हैं। सारे बंगाल आसाम से थोड़ा जहा बिहार दे सुरस्ती पूजन शिखर ते है। कि सुरस्ती पूजन का त्यौहार सब तो वड्डे पद्धर का त्यौहार बंगाल का त्यौहार है। महाराष्ट्र, थोड़ा जहा आंध्रा कर्नाटक, थोड़ा जहा गुजरात, इत्थे गणेश की पूजा शिखर ते है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार सब तो वड्डे पद्धर ते मनाया गया। बड़िया बड़िया झांकियां निकल। गुरमत का जमाना आया और गुरमत की ए देन कि सिद्धि का दाता गणेश है और बुद्धि की दाती सुरस्ती है, फिर परमात्मा की तो कोई लोड़ ही ना रह गई। फिर परमात्मा तो कुछ भी नहीं। ऐलानिया कह दिता गुरु नानक ने, सिद्धि ते बुद्धि परमात्मा तो बिना और किसे तो नहीं मिली। इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मंगलाचरण उस एक दा है जिदे हथ दे सब कुछ है। दाते दात रखे हथ अपने जिस भावे तिस दे। फिर ऐलानिया कह दिता भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किच हाथ है। भूल के भी ना जानी से ना मनी कि परमात्मा तो बिना कोई होर भी दाता है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो ऐलानिया कह दिता मैं ना गणेश है प्रथम बना। प्रथम गणेश की पूजा क्यों? वो पदार्थों का दाता, रोजगार का दाता है, धन संपदा का दाता है। तन नू पदार्थ चाहिए ने, मन नू ज्ञान चाहिए। परमात्मा तो बिना भी यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है, फिर परमात्मा की कोई लोड़ नहीं। साहब कहते ने भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किच हाथ है, सब करे कराए जरा मरा ताप सिरत साफ, सब हर के वस है, लाग सके ना बिन हर के लाए। कुछ भी जो प्राप्त होंदा है हरि तो बिना नहीं। सुख दुख नफा नुकसान सब परमात्मा दे बनाए हुए नियम विधान दे मुताबिक मनुख नूं प्राप्त होंदा है। तो मंगलाचरण है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वो जो एक है जिस तो उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहा है, सत स्वरूप है जो ज्ञान स्वरूप है, ते प्रसाद कहिए कृपालु है, दयालु है, करुणाकर है, रहीम है, करीम है। अगे आप ये अष्टपदियां सिलसिलावार सरवण करो क्योंकि काफ़ी लंबा वाक है। अखरी अर्थ आप जी के सामने रखा एक दफा प्यार नाला तो सतनाम श्री वाहे अक्सर संसार दे जद भी मनुख किसी चीज का करता बनता है उन्हों कारण लभना पैदा है।
अगर एक मुसव्वर ने तस्वीर बनानी है तो रंग तो चाहिए, बिना रंग तो तस्वीर किस तरह बनाएगा। फिर नमितो उपादान कारण भी चाहिए, पुरुष भी चाहिए जिस दे ऊपर तस्वीर बनानी है, कहने कागज भी चाहिए, तां मुसव्वर तस्वीर बना सकता है। रंग नहीं है, बुरश नहीं है, कागज नहीं है, कारण नहीं है, नमितो उपादान कारण नहीं है, तो मुसव्वर तस्वीर नहीं बना सकता। भावे वो करता है, करते पणंदी उदे कोल खूबी है, तो कारण ते चाहिए। कुमार ने प्याले बनाने ने, घड़े बनाने ने, सुराइयां बनानियां, तो मिट्टी तो बिना किवें बनाए? मिट्टी कारण है, कुमार करता है, पर निरे कारण नाल भी गल नहीं बनेगी। निमित्तो उपादान कारण भी चाहिए, घुमदा होया चक भी चाहिए, चक नू घुमाण वास्ते सोठा भी चाहिए, मिट्टी नू गुन्नण वास्ते पानी भी चाहिए। ये सारे कारण ते नमित्तो उपादान कारण कठे होवन, तां कुमार घड़े दा करता हो सकता है, प्यालियां दा करता हो सकता है। कारण नहीं तो करते तो कृप प्रगट नहीं होंगे। मिट्टी नहीं, घूमदा होया चक नहीं, तो कुमार कुछ भी नहीं बना सकता। रंग नहीं, बुरश नहीं, कलम नहीं, तो मुसव्वर चित्रकार कुछ भी नहीं बना सकता। क्या ये नियम परमात्मा से भी लागू होता है? जगत नू बनान लगे, उसने इतना वड्डा जगत बनाया, आद काल तो विद्वान दुबदा चरे है। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, कुछ विद्वाना ने मन भी लिया, कर्ता परमात्मा है, कारण माया है, मादा है। फिर वो ये भी कहने, जदों का परमात्मा है उदों का ही माया, जदों का ईश्वर है उदों का ये मैटर है, मटेरियल है, उदों का ये मादा है। बस इसे नू एदे चों यो बनांदा रहिंदा, बनांदा रहिंदा। ये करता जो परमात्मा है, इनू भी कारण दी लोड़ है। इसका मतलब परमात्मा भी मुताज है कारण, जैसे रंग नावन के मुसव्वर तस्वीर नहीं बना सकता, जैसे मिट्टी ना होवे ते कुमार घड़ा नहीं बना सकता, ये मादा नहीं है, माया नहीं है, तो फिर परमात्मा भी जगत की रचना नहीं कर सकता। ऐसा ख्याल कुछ विद्वाना ने, और बड़े बड़े पद्धर दे विद्वाना ने, ऋषि मुनिया ने दिते। इहदे नाल परमात्मा की सुतंत्रता नू खंडित करन वाली गल है, जबकि खंडित नहीं हो सकती। महाराज इस नू जिस ढंग नाल बयान करते ने, सब जग जिने उपाया भाई करण कारण समरथ। वो करण भी है ते कारण भी है, दोहां दे समरथ है। कारण उस तो वक नहीं है, वो करता अपने विचों कारण नू जन्म देंदा, उसे कारण दे मुताबक जगत नू बनाता है। कारण करते वस है जिनकल रखी दा, कारण करते दे अधीन है। कारण का भी जन्मदाता करता है, इस वास्ते परमात्मा स्वतंत्र करता है, स्वतंत्र करता है। महाराज इतने कहने ने, वो समरथ है करता, वो समरथ है कारण, कारण उस तो वक नहीं। उम्मीद है गल पकड़ दे चाहिए। वो ऐसा कुमार है, पहले अपने विचों मिट्टी नू जन्म देंदा है,
चक नू जन्म लेंदा है फिर घड़िया नू जन्म लेंदा है। वो ऐसा मुसव्वर है, पहले अपने अंदरों रंगा नू जन्म लेंदा है, बुरश नू जन्म लेंदा है, फिर तस्वीर बना। वो ऐसा करता है, पहले मादा की रचना कर देंदा है, फिर संसार बनांदा है, फिर जगत बनांदा है। मादा की सी धुंद सी, पानी सी और मिट्टी सी, बनाया अपने विचों, फिर इसे तो जगत की गाड़त गढ़ी, तरह तरह के जीवों की। साचे ते पवना बया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साजया, घट घट जोत सम। धुंद पानी और ये सारा मादा परमात्मा ने पहले बनाया, फिर इस तो जीवों की रचना की, इस तो जगत की बनतर की थी। इस वास्ते उस सर्वकला समर्थ है, कारण कारण समर्थ है। वो कर्ता ऐसा है कि पहले कारण नू जन्म दे देंदा है, फिर कारण दे राही कृत नू जो है जन्म देंदा है। ऐसा वो समर्थ परिपूर्ण परमात्मा है। अपनी सता देखे, उसने इस तन की रचना की थी और तन के अंदर जीव की रचना की थी। जीव साड़ा सूक्ष्म शरीर है और ये तन साड़ा अस्थूल शरीर है। अस्थूल शरीर की उम्र है 60 साल जिएगा, 70 जिएगा, 80 जिएगा, 100 जिएगा। चलो रशिया के 150 साल भी लोग जीवते हैं ठंडे इलाके, जैसे गर्मी दे पई हुई चीज़ जल्दी खराब हो जाती है, फ्रिज दे रख रही है तो बहुत समय तक रहती है। ठंडे इलाकों के लोगों की उम्र कुछ ज़्यादा, 150 साल के मनुख भी रशिया के सैकड़े की तादाद मौजूद ने, चंगे भले मौजूद ने, घूमते ने फिरते ने। ज़्यादातर पेंडू ने, हयाली ने, भेड़ा चारण वाले ने और चंगे बने हैं। 150 साल दे पर 400-500 भेड़ा नू चराण वास्ते भी जाते ने, हयाली ने हाजड़ी। मैं उन्हां दी कथा पढ़ के हैरान होया, 150-150 साल देने दौड़ते ने, भजते ने, भेड़ा नू काबू करते। मुल्क ठंडा है बड़ा, भावें 150 साल देने फिर भी उम्र सीमित है। 150 साल बाद शरीर खत्म हो जाए। अंदर जो साढ़े जीव आत्मा है सूक्ष्म शरीर, ये समा निर्धारित नहीं है। ये 100 साल दे खत्म नहीं आती, ये 1000 साल दे भी खत्म नहीं आती, ये 1,00,000 साल दे भी खत्म नहीं आती। सूक्ष्म शरीर नहीं खत्म होता। दोहां दी लीनता दे केंद्र अलग अलग रहे। तन अस्थूल चूंकि उस परमात्मा ने कारण तो बनाया है, मिट्टी तो बनाया है, पानी तो बनाया है, पवन तो बनाया है, अगन तो बनाया है। कारण तो करते ने एक घड़ा रखे है, मिट्टी, चक, सोटा, पानी, इन्हां सारियां नूं संग्रह करके एक घड़ा बनाया, ये बांडा बनाया। पर एदी उम्र है, जैसे अपनी उम्र तक पहुंचता है तो मिट्टी मिट्टी समा जाती है, पवन पवन दे समा जाती है, पानी पानी दे समा जाता है। अगन अगन दे समा जाती है। रह गई जीव आत्मा, ना ये मिट्टी है, ना ये पानी है, ना ये पवन है, ना ये अगन, तो फिर एक किसने समावे। इस जीव आत्मा नो मन भी कहते हैं और मन नो किधरे किधरे जीव आत्मा भी कहते हैं। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, इत्थे आत्मा दे अर्थ मन।
ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਮਾਸ, ਖੂਨ, ਸ਼ਕਤੀ, ਚਰਬੀ ਬਣਦਾ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਛਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ। ਤਨ ਦੇ ਨਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਵਨ ਪਵਨ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ, ਅਗਨ ਅਗਨ, ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨੇ ਯਾਦਾਂ? ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨੇ? ਸੰਸਕਾਰ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੰਨੇ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ, ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਕਰ ਕਬੂ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਕਰ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਮ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਠ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੋ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਔਰ ਖਿਮਾ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ। 18-18 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਪਾਠੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਕਰ ਕਬੂ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਸੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਨੀਤ ਨਹੀਂ, ਪੁਨੀਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ? ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੋ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਪੂਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ,
कतल दे अंदर संस्कार बन जान गए, बेईमानी ते ठगी दे अंदर संस्कार बन जान गए, लिखे जान गए। क्यों? उस कर्म दे मन पूरा होंदा। कारण खतरा, खतरा समाज दा और कानून दा। तो मन पूरा है। संसार दे मनुख बुरा कर रहे है पूरे मन ना, झूठ बोल रहे है पूरे मन नाल, सच दी बाणी पढ़ रहे है पूरे मन नाल नहीं। तो झूठ रोज रोज वद्दा जा रहे, पाप रोज रोज वद्दा जा रहे, अनर्थ रोज रोज वद्दा जा रहे, क्योंकि ये सारे दा सारा मन नाल कीता है और मन का हिस्सा बन जाता। इस तन दे नाश होंदे आ, मन नाश नहीं आता। इस शरीर दे नाश होंदे आ, सूक्ष्म शरीर नाश नहीं आता। इस शरीर की उम्र वद तो वद चलो मान लो 100 साल, अगले भी कोई कोई जीऊंगा। मैं देखा सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी गालबन 99 साल दे सन, 99 साल दे होके उन्होंने शरीर का चोला छड़िया, पर करीबन करीबन भजदे दौड़दे सन, इतने आके मत्था टेकन भी आना, दर्शन भी करने। उन्हां दी उम्र देख के मैनू हैरानगी आउंदी, साडे नालों भी तकड़ा, भजना दौड़ना दौड़दे जाना मत्था टेकना, उम्र बड़ी लंबी। इस तरह 2-4 महापुरुष मैं होर भी देखे, 90, 95, 100 साल पाया, बहुत अच्छे संजम नाल रखी हुई, पर फिर भी शरीर की उम्र है चलो 100 साल। ये जो सूक्ष्म शरीर है इसकी कोई उम्र नहीं, ये लखां साल तक हो सकता है, करोड़ां साल तक हो सकता है। असी अपने सूक्ष्म शरीर नूं लईए, जदों दा संसार बनया उदों दा है ये तन, जदों दा संसार बनया उदों दा नहीं है। इनू तो बनिया 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70, 80 होए, 5-10 साल होए ने जे बच्चे ने। अंदर जिहड़ा सूक्ष्म शरीर है ये उदों दा बनया जदों दा प्रभु ने संसार बनाया, उदों दा। यात्रा सफल तां हुंदी है, मिट्टी दे च मिट्टी समावे, पवन दे च पवन समावे, अगन दे च अगन समावे, उस तो पहले सूक्ष्म शरीर परमात्मा दे च लीन हो जाए, इहदी जगह परमात्मा होर कोई भी नहीं। जद कोई कहिंदा मन ते टिकदा ही नहीं, घर दे च नहीं टिकदा, दुकान ते नहीं टिकदा, कारोबार दे च नहीं टिकदा, किधरे भी नहीं टिकदा, जद मैनू कोई कहिंदा है, मैं कह विचारा ओपरे थावां ते किस तरह टिके, अपना घर होवे ते टिके, ते मन दा घर ते परमात्मा दा घर। मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घर नहीं टिके, हर चीज तो मन उकता जाएगा, हर चीज तो मन बेजार हो जाएगा। क्यों? कि उहदा घर ही नहीं, सब रस्ते दे पड़ाव ने। पुत्र मिल गए न रस्ते का पड़ाव है, पत्नी मिल गई है रस्ते का पड़ाव है, पति मिल गया रस्ते का पड़ाव है, भैन भरा मिल गए ने रस्ते का पड़ाव है, प्रभुता मिल गई है, इज्जत मान मर्यादा मिल गई है, सुंदर रहन नू महल माड़ियां मिल गई, सब रस्ते का पड़ाव है, नहीं टिकेगा मन। एक झुग्गी दे भिखारी उदास होंदा है, महलां दे बड़े बड़े हुक्मरान भी रोंदे पिटदे रहिंदे, किसी का मन किधरे नहीं टिकता, ना महल दे टिकता है ना झोंपड़ी दे, ना बाजार दे टिकता है ना कारोबार दे, ना परिवार दे, ते टिक सकता है तो निरंकार दे। अक्सर की होता है ये तन, ये पांच तत्व हैं,
ये अपने अपने घर चले जाते हैं। मिट्टी अपने घर चली जाती है, पानी अपने घर चला जाता है, पवन अपने घर चली जाती है, अगन अपने घर चली जाती है। सूक्ष्म शरीर जो परमात्मा तो है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान ये उठे जाता है। तो अनंत जन्मा तो भटक रहे, जम जम मरे मरे फिर जमे, फिर ये स्थूल दे ही धारण कर लेंदा है। शरीर के अंदर श्वास चलते ने, ना चलन ते शरीर की मौत है। शरीर के अंदर खून गर्दश करता है, ना करे ते शरीर की मौत है। मन के अंदर कामनावां चलदियां ने, ना चलन ते मन की मौत है। तन मर के तत्तां दे तत लीन हो जाता है, मन मर के परमात्मा दे लीन हो जाता है। मन मरे धात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पर। उम्मीद है गल पकड़ दे चाहिए। तन मर के मिट्टी विच मिट्टी होंदा है, मन मर के जोत विच जोत होंदा है। तन मर के पानी विच पानी होंदा है, पवन विच पवन हो जाता है, अगन विच अगन हो जाता है, मिट्टी मिट्टी हो जाता है। मन मर के परमात्मा विच परमात्मा हो जाता है। होंदा की है, मिट्टी च मिट्टी से ऐसी होंदे रहे, कई दफा हो चुके हैं। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होया मिट्टी दे च मिट्टी ते कई दफा होया, हुण फिर होवांगे। पानी दे च पानी ते कई दफा होया, अगन दे च अगन ते कई दफा होया, परमात्मा दे च परमात्मा नहीं होया, नहीं। जितने चिर तक नहीं आवांगे उतने चिर तक बार बार मिट्टी च मिट्टी होंदे रहांगे, होंदे रहांगे। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया दे सलम। सूक्ष्म शरीर काफी लंबे समय तक रहते, जैसे अस्थूल शरीर इन्हां च असी कुछ देखते हैं। बड़े नेक ने सतसंगी ने, पर कुछ कुसंगी ने दुष्ट ने। इन्हों सूक्ष्म शरीर च भी इस तरह ही है, क्योंकि स्थूल पर शरीर के तल से जी कृत मन करके प्रगट होती है, जो है मन का हिस्सा बन जाती है। जिन्हें ये सूक्ष्म शरीर चंगे आते हैं, ये मंदिर के आते ने, मजारा के आते ने, गुरुद्वार आते। पता नहीं किधर तुम मैं वहमी ही ना कह बैठना, जितने तुसी स्थूल रूप दे बैठे हो इतने इतने सूक्ष्म रूप दे होने चाहिए, होने चाहिए इतने होने। जितने स्थूल रूप दे मंदिर दे बैठे होंदे ने उतने सूक्ष्म स्वरूप दे मंदिर दे होने, उतने ही होने। आबादी घट नहीं है, जे 6 अरब दे करीब अज संसार विच मनुख हो गए ने, तो 6 अरब ये सूक्ष्म शरीर भी समझ लो जो भटकते पे। शरीफ बंदे भी रोंदे रहिंदे ने, बदमाश भी रोंदे रहिंदे ने, ठग ते बेईमान भी कुरलांदे रहिंदे ने, ईमानदार भी दुखी होंदे ने। तो चंगे माड़े जिहड़े सूक्ष्म शरीर ने वह भी भटकते रहिंदे, जिहड़े माड़े सूक्ष्म शरीर ने ये शराबखानिया च मिलणगे, वैश्यालिया च मिलणगे, जुए खानिया च मिलणगे, बदमाशी के अड्डिया च मिलणगे, उत्थे होंदे। जितने जुआरी आउणगे उतने सूक्ष्म शरीर भी उत्थे आउणगे, जितने शराबी आउणगे उतने सूक्ष्म शरीर भी आउणगे, जितने बदमाश आउणगे उत्थे उतने सूक्ष्म ढांचे भी आउणगे। पर जिथे जितने सत्संगी बैठे ने तथा कीर्तन सुनने वाले बैठे ने, अस्थूल शरीर उतने सूक्ष्म भी बैठे। लाभ अस्थूल शरीर उठा सकता है, सूक्ष्म नहीं। कारण सूक्ष्म शरीर जो देख रहा है अपने सूक्ष्म शरीर का हिस्सा नहीं बना सकता, जब देखते रहा
ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ। ਸਾਡਾ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਮਖ ਮਾਏ ਚਾਕੁੰਡ ਫਿਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਦਾ, ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਸੰਗ ਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੇ ਕੋ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨੇਕ ਲਾਲਸਾ, ਚੰਗੀ ਲਾਲਸਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੋਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਰਭ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੁਆਰੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੈਸ਼ਿਆਗਾਮੀ ਨੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਧੜਾ ਧੜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੂਕਸ਼ਮ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸੂਕਸ਼ਮ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੇ ਅਕਸਰ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੇ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੂਕਸ਼ਮ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਇੱਕ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਛੋਟਾ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਜੈਸੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਚ ਹਰ ਕੀਆ, ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਇੱਕ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਸੰਗੀ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਕੁਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਭੈੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਚ ਹਰ ਕੀਆ, ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੋਦ ਇਤਨੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਸੂਕਸ਼ਮ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਦੇਵਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਸਦੇ ਪੈ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇ, ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਪੈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ ਲੀਨ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੋਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ?
बंजर दी जमीन देच, बंजरी जमीन देच, कलरी जमीन देच, गुलाब का बूटा नहीं पैदा, नहीं पैदा। कलरी जमीन देच, बंजर धरती देच, चंदन का बूटा नहीं उगता। इन्हों कोई कोमल धरती चाहिए, वधिया धरती चाहिए, सोना वातावरण मौसम चाहिए, तां गुलाब पैदा हो, तां केसर पैदा हो, तां चंदन पैदा होगा। इस तरह की रब्बी गुणा की जो महक रखते हैं अपने कोल, इस तरह की रब्बी गुणा की कोई मां हो जन्म आता, उंज नहीं आता, उंज नहीं आता। ये जड़े दो साढ़े शरीर ने सूक्ष्म ते अस्थूल, प्रभु ने इन्हां दे कारण वख वख बनाए। अस्थूल का कारण बनाया पानी, मिट्टी, पवन, अगन, आकाश। आकाश नू भी उसने आप बनाया, पानी, मिट्टी, अगन, फिर इन्हां दे जोड़ तो ये अस्थूल शरीर का ढांचा बनाया। रह गया सूक्ष्म शरीर, उदे लई कर्ता पुरख कारण आप ही बन गया, होर कारण बनाने की लोड़ नहीं, वो सीधे ही उस तो आ। इस अस्थूल शरीर का कारण बड़े ध्यान नाल सुन लेना, मिट्टी है, पवन है, पानी है, कर्ता परमात्मा है, कारण मिट्टी है, इस शरीर का पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। साडा जिहड़ा सूक्ष्म शरीर है उहदा करण कारण, करता ते कारण प्रभु आप, वो मिट्टी तो नहीं बने, वो पानी तो नहीं बने, वो अगन तो नहीं बने। तुसी आखोगे इतना लंबा चौड़ा पसारा, फिर मिट्टी मिट्टी च लीन होवे ते जोत जोत दे च लीन होवे, इन्ना पसारा करन दी की लोड़ है। दरअसल वो आप बहुत वड्डा है, उन्हें खेल भी बहुत वड्डा रचना, लीला है, खेल है। आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी केने, खेल तो ज्यादा कुछ नहीं, उदे तमाशे तो ज्यादा कुछ नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने, मैं यही तमाशा देखन लिया, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। सारे जगत की साजना की है अपनी सता दे, पहले कारण पैदा किया है, जगत बनाया, और फिर अपनी वत अपनी सता दे के उस कारण देखा जीवां नू जन्म देता है, आत्मावां नू जन्म देता है, तरह तरह के जीव जंतुआ नू जन्म देता है। ये लंबा चौड़ा जगत उस परिपूर्ण परमात्मा की मेर ते लीला दा सदका आलमे वजूद ते आया है। तीन पहिया तीन आई अता एको अकत। इस जबान नाल ये सारी गल किमें बयान करिए, अकत है, अकत है। इतनी रचना है ना गिनती हो सकती है, इतनी रचना है नापी नहीं जा सकती, इतनी रचना है तोली नहीं जा सकती। कोई भी पैमाना पूरा नहीं उतरता, ना नापना, ना तोलना, ना गिनना। इस वास्ते अकथ है, किवें उसकी गिनती करिए, किवें बयान करिए, वो तो अकथ है, कथनी दे च नहीं आऊंगा। जो गोविंदा रूप है गुरु, उदी सिफतो सलाह करिए, जिदे नाल तत्व वस्तु दी बाह बुनियादी समझ आ जाती है, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, नाम की प्राप्ति हो जाती है। हे मेरे मन, हरि दा जपन हर वक्त कर, हर वक्त कर, यही तेरी लोड़ है, यही तेरा भोजन है, यही तेरा कपड़ा है, यही तेरा परिवार है। हरि दा नाम इस तन दा परिवार होर है, चाहिए इस तन दे पदार्थ होर ने, तन दे कपड़े होर ने, तन दियां महलवाड़ियां होर ने जिथे इस तन ने रहना है।
मन दी महल माड़ी परमात्मा का नाम है, मन दे कपड़े परमात्मा का नाम है, मन दा भोजन परमात्मा का नाम है, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। भोजनं गोपाल कीर्तनं अलिप माया जल कमल रहते, गोविंदा भजने उदा भोजन है। बदकिस्मती ये है, रोज रोज मनुख का तन रजदा जा रहा है, पलदा जा रहा है, रोज रोज मनुख का मन भुखा होता जा रहा है, कमजोर होता, भोजन तो देंदा ही नहीं पे, भजन तो है ही नहीं। इसे नु मेरे पातशाह ने कहा, आखां जीवां विसरे मर जा। मन दी मौत, मन दा वास्तविक मर जाना नहीं है, इस मौत दा जो जिक्र करते ने, जिवें बहुत भुख तो मनुख बेहाल हो जाए तो बेहोश हो जाता है, इस तरह मन अचेत होवेगा अगर प्रभु का नाम नहीं जपेगा, अचेत होवेगा, महामूढ़ होवेगा। महाराज कहते मूर्ख की होवेगा, मूर्खां दा सरदार होवेगा, मूर्खां सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही ना। तो अचेत होना, बिल्कुल अनिंद्रा, जो निंद्रा दे छोना, अचेत होना एक तरीके दी मौत है। इसे ही मौत दा सहर जिक्र कर रहे ने, सो जीवया जिस मन वसया सोए, नानक अवर न जीवे, दूजा नहीं जीवता। उसे मन दी मौत होंदी है, अचेत पे आउंदा है, जिवें कोई कोमा दे पे, अचेत महामोह। तो मन दा टिकाणा, मन दा भोजन परिपूर्ण परमात्मा का नाम है। इस वास्ते साहब प्रेरणा करते हैं, तू उस एक दा जपन कर, उस एक दा पाठ कर, उस एक दे जो है ध्यान जोड़, ताकि तेनु अपने घर दी ते परम आनंद की प्राप्ति हो। परमात्मा ऐसा दयालु है, अपना नाम देके जीवां दे सारे दुख दलिद्र पाप मिटा देंदा है, मिटा देंदा है। ये रहमत उसकी हर वक्त बरस रही है, सूरज तो रोशनी हर वक्त मिल रही है, पर मैं अखां बंद कर लावां ते नहीं है। परमात्मा की बख्शिश, नाम की बख्शिश हर वक्त हो रही है, पर मैं जपने ना करा, मैं भांडा ही सीधा ना करा, तो फिर नहीं है, कुछ भी नहीं प्राप्त होता, कुछ भी जो है पल्ले नहीं पैंदा। इस वास्ते साहब कहते हैं, वो हर वक्त दया का सागर है, दया कर रहा है, सारे दुखां ते पापां नूं रास करन वाला है। इस वास्ते हे मेरे मन, उसे दा जपन कर, उसे दा नाम जपन। अनंत खजानिया नाल जिहदा घर भरिया होया, जिहदे घर दे सब कुछ है, सब कुछ है, जो तू चाहवे सब कुछ है, परम रस है, परम निधान है, परम शक्ति है, परम खजाना है, परम सुख है, अनंत गुण ने, तरह तरह की कला है, उसके घर दे सब कुछ है, सब कुछ है, उसके सारे खजाने भरे हुए ने, खाली कोई भी नहीं है। हाँ जी, कोई उसकी गिनती मिनती नहीं हो सकती, अपार है, अति उच्चा है, अति उच्चा है, महान भाव इंद्रियां दी पहुंच तो परे है, मन दी सोच तो परे है। हाँ जी, सारे जीवां दी सिरजना करके सारियां दी संभाल करदा है, नित नित करदा है, हर वक्त करदा है, क्योंकि व्यापक है, सारे जीव उसकी निगाह दे थले ने, नजरी हेठ चलाएंदा अपनी निगाह दे हेठ, सारियां नूं चलांदा है, और सारे उसके चेते देचने, चेते अंदर सबको, सब कुछ उसके चेते देचने, सारी उसकी निगाह दे थले ने, सारियां ते नजरे कर्म करदा है, सारियां दा जीवन चलांदा है। हाँ जी, पूरे सतगुर की भेट करनी चाहिए है, जिदे शब्द द्वारा परमात्मा का मिलाप हो जाता है, जिदा शब्द परमात्मा नाल जोड़ देता है। हाँ जी, वो जो सच्चा है, उसके चरण उसके गुण है, गुणा दे परमात्मा की होंद खड़ी है, पैरों दे साडा शरीर खड़ा है, और सारा शरीर पैरों नाल चलता है, गुणा नाल परमात्मा की होंद गतिमान आती है, परमात्मा की सारी होंद
गुणा ते खड़ी है, ये पैर नावन शरीर इथे डेरी हो जाता, नहीं चल सकता। गुण ही नावन ते परमात्मा, परमात्मा नहीं है। परमात्मा दी होंद दया ते खड़ी है, क्षमा ते खड़ी है, ज्ञान ते खड़ी है, प्रेम ते खड़ी है, समदृष्टि ते खड़ी है, निर्वैरता ते खड़ी है, निर्भयता ते खड़ी है। इन्हों सारे गुणा दते परमात्मा की होंद खड़ी है, तो परमात्मा दे चरण उसके गुण ने सच्चे उस परमात्मा दे चरण उन्हां दी सेवा की जाए, भाव गुणा नाल जुड़िया जाए, सारे भय नाश हो जाते ने, सारे भरम नाश हो जाते हैं। सत्संगत दे च बैठ के जे अपने मन नू कथा कीर्तन नाल धोई है, तो फिर हरि दे घर दे च वासा नसीब हो जाता है, हरि दे गुणा नाल जुड़ना नसीब हो जाता है। सारा अज्ञान का अंधेरा नाश हो जाता है और हिरदे का कमल खिड़ पैंदा है, और तरह तरह की गुणा की महक बार डोलन लग पैंदी है। हाँ जी, गुरु के बचना द्वारा सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है, और ये बचन पूरे गुरुदेव तो प्राप्त होते हैं, भाव इन बचना दे ही परमात्मा समाया हो और सारे सुखों की प्राप्ति होती। हाँ जी, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इस तरह की मेर तेर, इस तरह का वितकरा, इस तरह की दुविधा छोड़ के प्रभु के चरणों नाल जुड़ना चाहिए, निर्माणता धारण करनी चाहिए है। धार्मिक मनुख समदृष्ट आता है, तेर मेर दे च नहीं आता, वितकरियां दे जीण वाला मनुख ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना नहीं है, अजे समझ लो धर्म की शिखरता नूं इसने नहीं छोया। दीवारा मनुख ने बहुत खड़िया कीतियां ने, मजहब की दीवार है, मुल्क की दीवार है, भाषा की दीवार है, रंग रूप नसल की दीवार है, मनुख का मनुख नाल मिलना औखा है। एक तो मजहब की दीवार है, बंदा बंदे नाल नहीं जुड़ता, फिर भाषा की दीवार है, मैं पंजाबी बोलना अगला हिंदी बोलना, मैं हिंदी बोलना अगला बंगाली बोलना, तो भाषा की दीवार है, फिर भाषा तो इलावा इलाके की दीवार है, मुल्क की दीवार, मजहब की दीवार है, जात पात की दीवार है। इन्निया दीवारां नू कोई तोड़े तो मनुख का मिलाप आता है, और मनुख के मिलाप तो बाद ही परमात्मा का मिलाप आता है। परमात्मा नाल कोई जुड़ गया है तो समझ लो सारी मनुखता नाल जुड़ गया, ये पहली पहचान। उहदे लई कोई ओपरा नहीं रह जांदा, उहदे लई कोई बेगाना नहीं रह जांदा। पढ़ी ते जांदे असीं नै को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम को बनाई। थोड़े दिन मैंने एक चिट्ठी आई, कहने लगे मैं फलाने नू फलाने नू फलाने नू अवतार नहीं मनता, एको ही है बाकी कोई अवतार नहीं, बाकी मैं मनता ही नहीं उन्होंने कुछ दिता होगा। और बड़िया कौड़िया गल्ला, बड़े अपशब्द अवतारा लई, और मैनू भी कहन लगे तुसी सारिया नू जड़ी बराबरी दे देंदे हो, दे नाल साढ़े दिल नू बड़ी चोट लगती, बहुत चोट लगती, कदे टीवी दे सुन लिया होना। मैनू आके देखो चिट्ठी जो मैं कल ही लिखवाई, अजीज पिछे बैठा इहदे कोलों लिखवाई, मैं भेज दो उसनू पूजा कल आवे। मैं एक प्राइमरी स्कूल है उत्थे भी एक टीचर पढ़ा रहे है, एक हाई स्कूल है, एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, ये सारे ही पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना इन्हां दा कम है। सारे प्राण की कला विच निपुण है, संपन्न है, पर सारिया के सामने विद्यार्थी एक तरह के नहीं है, विद्यार्थी एक तरह के नहीं। प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी कुछ होर ने, हाई स्कूल के विद्यार्थी होर ने,
ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੀਵ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਯੁੱਗ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਖਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣੇ ਪਏ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੋਰ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਓ ਆਖੋ ਰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਰਚਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੰਨੇਗੀ ਪਾਪ ਮੰਨੇਗੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਉਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਚ ਸਕੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ ਹਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹ ਯੁੱਗ ਬੁੱਢਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਸਿਆਣਪ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਯੁੱਗ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪੁਰ ਬਣੀਏ ਕਲਯੁਗ ਉੱਤਮ ਯੁੱਗਾਂ ਮਾਏ ਇਹ ਉੱਤਮ ਯੁੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਬਹੁਤ ਗਏ ਤਰਕ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਡਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਉੱਨਤੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆਣਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਤਨੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਇਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਔਰ ਜਗਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਗ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸਿਆਣਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਸਿਆਣਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੈ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਔਰ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ ਜਿਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਭੱਟ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਯੁਗ ਤੈਂ ਮਾਣਿਓ ਛੱਲਿਓ ਬਲਵਾਵਨ ਵਾਇਓ ਰੇਤੇ ਤੈਂ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪੁਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਪਾਰਤ ਕਿਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤ ਜਨ ਦਿਓ ਕਲ ਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾ ਮਹਾਨ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮਹਾਨ ਨੇ ਦੁਆਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਮਹਾਨ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਉਹ ਦਿਨ ਛੂਰਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੀਵਦਾ ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾ ਜੀਵਦਾ ਮਰਦਾ ਜੀਵਦਾ
प्रभु का ना लैंदा तो थोड़ा जहा जी पैंदा भुल जाता फिर मर गया। भूलना मन की मौत है, सिमरन करना मन की जिंदगी है। भोजन मिलता रहे तो तन जिंदा रहता है, भजन चलता रहे तो मन जिंदा रहता है, मन का आनंद जो है बनिया रहता है। जिस दिन परमात्मा भूल जाता है समझ लो उस दिन छूरना आता है और मरना आता है, मौत वर्गा सोग हो जाता है। हाँ जी, परिपूर्ण परमात्मा सर्व कला समर्थ है, करता भी है ते कारण संपन्न भी, वो परिपूर्ण परमात्मा आप है। हाँ जी, परिपूर्ण परमात्मा ने एक पदार्थ बनाया है, वो है प्रेम। संसार विच भी संबंध प्रेम नाल जुड़दा है, निरंकार नाल भी संबंध प्रेम नाल जुड़दा है, और किसे गुण नाल नहीं जुड़दा। दो ज्ञानी लड़ पैंदे ने, दो दानी लड़ पैंदे ने, दो सेवा करन वाले लड़ पैंदे ने। एक गुरुद्वारे ते मैं देख के दंग हैरान हो गया, बड़ी दुर्घटना घटी। एक बंदे ने चांदी दी चोर खिंच के दूजे दे सिरे च मारी, फोनो फोन कर दिता। क्यों भई, अरदास दे समय मैं चोर करदा हुंदा सी, तू किस नाल ले रही है? इन्नी कठोरता, गल बड़ी मशहूर है, इन्नी कठोरता। दो सेवादार लड़ पैंदे ने, दो झाड़ू देण वाले भी लड़ पैंदे ने, झाड़ू करदे करदे दूजे एक दूजे नूं झाड़ू मारन लग पैंदे, जोड़े झाड़न वाले जोड़े मारन लग पैंदे गुस्ताखी मार। दो ज्ञानी लड़ पैंदे ने, दो दानी लड़ पैंदे ने, तुसीं इतिहास विच किधरे भी नहीं दे सकते। दो प्रेमी लड़ पैंदे, प्रेमी एक दूजे तो कुर्बान होंदे ने, प्रेमी एक दूजे तो सदके आउंदे, प्रेमी एक दूजे तो मिटदे ने। ज्ञान नाल संबंध नहीं जुड़ता, दान नाल संबंध नहीं जुड़ता, सेवा नाल संबंध नहीं जुड़ता। ये सारे सहायक गुण ने, मेन गुण ते प्रेम है। इनू राजयोगी भरतरी इंज बयान करते हैं, गुण ए तो बृंद बरात जनावर एक बैराग बिना शक्ति। भावना प्रेम ते बैराग तो बिना सब फिक्के ने। जिहड़ा उदाहरण दिता है, कहिंदा बराती बड़े सज धज के आए होवन, बड़े वधिया कपड़े, बड़े वधिया गहने, और बरात भी बड़ी लंबी चौड़ी, बड़े कीमती कपड़े, बड़े कीमती गहने, पर बरातियां च लाड़ा तो है ही कोई नहीं। तो बरात केड़े काम की, लाड़ा तो है ही कोई नहीं। प्रेम नहीं है, भावें दानी है, ज्ञानी है, सेवा बड़ी करता है, बहुत कुछ है, इस बंदे को ऐसी बरात है जिदे च लाड़ा है ही कोई, लाड़ा है ही कोई। प्रेम ही महान। तो महाराज कहने प्रेम एक ऐसा पदार्थ है, उस प्रभु का नाम भाव, प्रभु की होंद और प्रभु का संबंध जो है छाया हो, जेदे नाल माया का मोह भरम नाश हो जाता है। हाँ जी, जिसनों ओ पा जाता है, चंगा लगता है, उसके हिरदे च इस तरह का प्रेम पदार्थ जिहड़ा प्रभु का नाम है वस जाता है, और वह परमात्मा च लीन हो जाता है। हाँ जी, गुरमुख बन के गुरु नूं सामने के जीवन बतीत करिए, तो हिरदे का कमल खिड़ जाता है और हिरदे विच नाम का प्रकाश हो जाता है। हाँ जी, हिरदे विच नाम का चानना ऐसा हो जाता है, समझ आ जाती है। आकाश दे ते पाताल दे ते धरती दे ते जिहड़े भी खिड़े हुए ने, नाम करके खिड़े हुए ने, प्रेम करके खिड़े हुए ने, सब जगह दे जीवां दे अंदर जो खेड़ा है वह नाम का खेड़ा है, प्रभु दे प्रेम का खेड़ा है। हाँ, दिन रात हुण अंदर प्यार ही प्यार है। क्यों? अंदर संतोख पैदा हो गया है। तृष्णा प्रेम नूं नहीं पैदा होण देती, तृष्णा मंग करती है, तृष्णा मंग नाल जुड़ी रहिंदी है, संतोख मंग नाल नहीं जुड़े होंदे।
संतोखी कुल जो कुछ है उन्हों देखता है और शुक्राना करता है, तृष्णालु कुल जो कुछ नहीं है उन्हों देखता है तो गिला करता है, तृष्णालु तो गिलिया दे जीवता है, जो नहीं है उदी मंग है, संतोखी जो है उदा शुक्राना, उदा शुक्राना। ये भी मैं अर्ज कराम, संतोखी भूखा भी है शुक्राना करेगा, आखेगा प्रभु आज तू मैनू भूखा रखे है, शायद आज मेरे लिए भूख भी एक लोड़ से, शायद इन्हें भी मैनू कुछ सबक देना से, शायद इसने भी मैनू कुछ ज्ञान देना से, ये जो तू मेरी झोली च पाई है भूख, ये बिना कारण दे नहीं हो सकती, इहदा भी कोई मतलब होएगा। तो संतोखी भूखा है ता भी शुकराना करेगा, तृष्णालु का पेट भरिया होया ता भी गिला करेगा, आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने हो, जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथे ले खिड़े मथे। ये भूख भी कबूल है, एदी भी मैनू लोड़ होगी। तो संतोख दे हर वक्त आनंद बनया रहा है, और माया का मोह ये मंग ये तृष्णा ये सारी दी सारी नाश हो जाती है। ऐसा मनुख जो संतुष्ट हो गया ओदी रसना सदा प्रभु का नाम जपदी है, सदा प्रभु का नाम जपदी है, और रस नाल विजया रहिंदा उसका हिरदा और प्रभु नाल जुड़िया रहिंदा। हाँ जी, सुनन दा कर्म कर करके, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, प्रभु दा नाम सुन सुन के ये जो सुनन दा कर्म है ये नाल उसनों अध्यात्मक जिंदगी की प्राप्ति होंदी है, और इसे जीवन दे जो जी के आनंदित होंदा है। हाँ जी, जिसका भरोसा नहीं बजता, जिसका भरोसा डोलदा रह जाता, उहदा हिरदा इंज समझ लो जिवें तृष्णा की अग नाल जलदा पे, जलदा पे, जलदा पे, क्योंकि भरोसा डोलदा पे, विश्वास नहीं बजता। मैं अक्सर अर्ज करता हूँ, महाराज कहते ने जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान ते समन प्रगट आया, तत् छिन तत्मई ज्ञान उत्थे प्रगट हो जाता है, जिथे भरोसा पूरे का पूरा बज जाता है। जिदे अंदर ये भरोसा विश्वास नहीं बजता उहदा हिरिया हिरदा कृष्णा की अगन दे नाल जलदा ही रहिंदा है, जलदा ही रहिंदा। हाँ जी, ये परिपूर्ण परमात्मा तेरे ते सदके जाने हैं, कुर्बान जाने हैं, बहुत ने तेरे गुण, अनंत ने तेरे गुण, एक एक गुण दे च रस है, आनंद है ते खेड़ा है, बहुत सारे ने इस तरह दे तेरे अनंत गुण, मैं थे तो सदके जाना कुर्बान जाना है। निखावे नु थां देंदा है, निगुणिया नु पालदा है, और सीने नाल लांदा है, ऐसा ओ करता है, करीम है, रहीम है। स्वास स्वास जीवां दे रिजक दे जो है संभाल दी संभाल करता है, और बहुत गम गहर गंभीर है जिसका नाम जिसकी होंद हर एक दी संभाल करता है। पूरी बख्शिश समझ लो उसते जिन्हों पूरे गुरु की भेंट नसीब हो जाए, समझ लो परमात्मा की पूरी कृपा हो गई है, पूरी बख्शिश हो गई। हाँ जी, जो सर्व कला समर्थ है, भरपूर है, उस तो बिना एक घड़ी भी जीवना जीवना नहीं है, जिंदगी जिंदगी नहीं है। हाँ जी, सास ते ग्रास बाहर श्वास गया तो फिर अंदर श्वास ग्रास दे नाम पूरा हो जाता है वाहेगुरु, किसे नु कह दम दम सदा संभालदा दम ना विरथा जाए, ये परिपूर्ण परमात्मा श्वास ग्रास तो ना बोले, हर वक्त तेरी संभाल चले, हर वक्त जो है तेरी याद चले, ताकि हृदय खेड़ा बनया रवे, सुख बनया रवे। हाँ,
जो व्यापक है, सर्वव्यापक है, उसने बख्शिश की थी। सत्संग दा मिलाप करा देता, गुरु दा मिलाप करा देता, और उसका सदका उसका अपना मिलाप हो गया, परमात्मा का मिलाप हो गया। हाँ जी, जिन्हों के अंदर ये प्रीत नहीं पैदा हुई, नित नित चिंता, नित नित सो, नित नित दी व्याकुलता ते परेशानी, इसे ही अग्न दे जो और रहते ने ते जोड़ते रहते हैं। हाँ जी, ये जो इतना वड्डा संसार भय सागर है, दुखां दा सागर है, अपना दामन दे के, अपना पल्ला दे के उसने पार कर देता है। भव सागर तों पहले कंडे ते ला देता है। इस तरह भव सागर दे सारे भय मिट गए, दूर हो गए। अपनी मेहर दी नगदर करके उसने अपने अंग दी पालना की थी। भाव साडा पक लिया है और अपने गल नाल ला लिया और पार कर देता है। हाँ जी, परमात्मा दे नाम दा भोजन बन गया है। इहदे नाल की होया है, मन ते तन शीतल हो गया है और यही आधार बन गया, यही साडा सारा बन गया। हाँ जी, जो पापा ते दुखां ते कलेशां दा नाश करन वाला है, ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है, महाराज कहिंदे ने मैं उहदी शरण दे चां, मैं उहदी जो है शरण दे चां। काफ़ी लंबा सतगुरदेव जी महाराज का हुक्मनामा से कुछ बुद्धि अनुसार जो विचार बनी है आप जी के सामने रखी है। बार बार सारिया का धन्यवाद। बुल चुक दी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।